नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बढ़ाई ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी का प्रसंग है, इसका नाम है पाप की गठड़ी। पाप हर इंसान करता है, ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता हो। लेकिन पाप की गठड़ी किसके सर पर रखी जाती है? कौन है वो व्यक्ति जिसके सर पे पाप की पगड़ी रखी जाती है और वो संसार का सबसे बड़ा पापी होता है? आज की कहानी में आप इसको जानेंगे। आज की जो कहानी है, बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को जो भी इंसान ध्यान लगाकर और मन से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में चाहे उस व्यक्ति ने कितने भी पाप किए हो, कितने भी बुरे कर्म किए हों, उन सभी से उसको मुक्ति मिल जाती है और वो निर्दोष निर्पापी हो जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से गंगा में नहाने से पाप दोष नष्ट होते हैं, उसी तरीके से इस कहानी को ध्यान मगन होकर सुनने से, चित्त मगन होकर सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, जाने अनजाने में पाप हर व्यक्ति करता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता हो। हम ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस पाप के भागीदारी बन जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले प्रिय दर्शकों, और आप उसका फायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल में हम रोज नई वीडियो, नई कहानी, नई ज्ञानवर्धक चर्चा लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी। और एक समय की बात है कि कदली वन में एक मोर और मोरनी रहते थे। उनका जीवन बड़ा सुखमयी था। दोनों पति पत्नी अपना जीवन सुखी गुजार रहे थे। उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया था। वो दोनों कभी ये जानते नहीं थे कि दुख होता क्या है, संकट होता क्या है, इस बारे में दोनों को भान भी नहीं था। उनका जीवन बड़ा सुखमयी था। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के बाद हमेशा दुख आता है, कुछ ऐसा ही मोर मोरनी के साथ होने वाला है। एक दिन की बात है कि आसमान में काले काले बादल मंडराने लगते हैं और पूर्व दिशा से जोरदार तूफान उठता हुआ आता है, जोरदार बबंडर आता हुआ दिखाई देता है। तब मोर और मोरनी उड़कर एक वट वृक्ष में जाके बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वो वट वृक्ष काफी घना वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष में काफी सारे जीव जंतु रहते थे, काफी सारे पक्षियों के घोंसले थे, काफी सारे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे, काफी सारे पक्षियों के अंडे रखे हुए थे। उस वटवृक्ष में मोर और मोरनी दोनों जाके बैठ जाते हैं और वटवृक्ष को अपने पैरों से मजबूत पकड़ लेते हैं। जब पूर्व दिशा से जोरदार बवंडर आता है तो वटवृक्ष को झिंझोड़ के रख देता है। प्रिय दर्शकों, तूफान की वजह से उस वटवृक्ष में से काफी सारे पक्षियों के अंडे नीचे गिर के फूट जाते हैं और काफी सारे पक्षियों के छोटे बच्चे घोंसले से नीचे गिर के मर जाते हैं। काफी सारे उड़ने वाले पक्षी भी तूफान की वजह से खत्म हो जाते हैं और भी अन्य कई जीव जंतु मारे जाते हैं। इतना तगड़ा वो तूफान आया था। जब तूफान खत्म हो जाता है, तूफान थम जाता है, तूफान रुक जाता है, तब मोर और मोरनी चैन की सांस लेते हैं और नीचे जमीन पे उतर कर देखते हैं कि काफी सारे पशु पक्षी जीव जंतु मरे हुए पड़े हैं, काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी मरे हुए पड़े हुए हैं। यह देखकर मोरनी बड़ी दुखी होती है और मोरनी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, आज हमसे बड़ा भारी पाप हुआ है और हम बड़े भारी पाप के भागीदारी बन गए हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए इतने सारे पक्षी, इतने सारे पक्षियों के अंडे और पास में इतने सारे जीव जंतु मरे पड़े हैं। हमारे रहते हुए इतने सारे जीव जंतु मर चुके हैं, इसलिए ये सारा पाप दोष हमें लगेगा।
यही सोचकर मोरनी बड़ी दुखी होती है। प्रिय दर्शकों, मोर मोरनी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोरनी को एक भी बात समझ में नहीं आती है। मोर कहता है कि हम पाप की भागीदारी नहीं है, कि पाप का भागीदारी तो वो है जो ये बबंडर को लेके आया है, और इस बबंडर की वजह से काफी सारे जीव जंतु मर चुके हैं, इसलिए हम पाप की भागीदारी नहीं है। लेकिन मोरनी मोर की बात को सुनने के लिए राजी नहीं थी। तब मोर मोरनी को एक ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाता है और मोरनी से कहता है कि मोरनी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यह पता चलेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागीदारी कौन होता है। तब मोर मोरनी को कहानी सुनाता है और मोरनी बड़े ध्यान से चित्तमगन होकर उस कहानी को सुनती है। मोर कहता है कि एक नगर में एक राजा रहता था। वो राजा बड़ा दयालु प्रवृत्ति का था। तो राजा विचार करता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को खीर का भोजन खिलाया करूंगा। प्रिय दर्शकों, अब वो राजा यह निर्णय लेता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को खीर का भोजन खिलाया करूंगा। वो राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाता था। अब उसको काफी दिन निकल जाते हैं, काफी समय से वो 100 अंधे लोगों को खीर खिलाता रहता है। लेकिन एक दिन की बात है कि जिस दूध से वो राजा खीर बनवाया करता था, उस खीर में एक सांप आ जाता है और सांप उस दूध में मुंह दे करके और जहर उगल देता है। प्रिय दर्शकों, इस घटना का किसी को पता नहीं था कि इस दूध में सांप ने जहर मिला दिया है। फिर उस दूध की खीर बनाई जाती है और खीर बनाने के बाद उन 100 अंधे लोगों को खिला दी जाती है। जैसे ही वो 100 लोग खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो लोग खत्म हो जाते हैं। जब राजा को यह पता चलता है कि जिन अंधे लोगों को राजा खीर खिलाया करता था, उन लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है, तो राजा बड़ा दुखी होता है। और राजा यह आदेश देता है कि इसकी जांच की जाए, इन खीर खाने वाले अंधे लोगों की मृत्यु कैसे हुई है। प्रिय दर्शकों, अब राजा के सैनिक ये जांच करते हैं तो जांच में ये पाते हैं कि सांप का विष मिल जाने से इन लोगों की मृत्यु हुई है। अब राजा यह आदेश देता है कि सांप का जहर मिलाने वाला कौन है। प्रिय दर्शकों, फिर से राजा के सैनिक जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल में ये पाते हैं कि किसी ने भी जहर नहीं मिलाया है, और जांच पड़ताल में ये पाते हैं कि किसी भी मनुष्य ने, किसी भी व्यक्ति ने खीर में जहर नहीं मिलाया है। उनको यह पता चलता है कि कोई काला सर्फ यहां पे आया था और उसने इस दूध के अंदर जहर मिला दिया है। उसके बाद राजा बड़ा दुखी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को मोर मोरनी से कह रहा है और मोरनी बड़ी ध्यान से सुन रही है। उसके बाद राजा बड़ा दुखी हो जाता है और राजा सोचने लगता है कि इन 100 लोगों की हत्या का पाप मुझे लगेगा, मैं ही सबसे पाप का भागीदारी हूं, क्योंकि मैं ही इन अंधे 100 लोगों को खीर का भोजन खिलाया करता था। लेकिन अब इन लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं बड़े पाप का भागीदारी हूं। यह सोचकर राजा अपने राजपाट को त्याग देता है और सोचने लगता है कि क्यों न मैं किसी जंगल में जाके और भगवान की भक्ति करूं, अपने इन पाप का प्रायश्चित करूं। यही सोचकर राजा राजपाट को छोड़कर और भगवान की भक्ति करने के लिए अपने राज्य से रवाना हो जाता है। राजा दिन भर चलता है, काफी दूर निकल जाता है, काफी दूर पहुंच जाता है। अब राजा को संध्या काल का समय हो जाता है। तब राजा एक नगर में जाता है और नगर के चौपाल पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। उन लोगों से जाके वो राजा पूछता है कि भाई, इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करता हो, ईश्वर पे विश्वास रखता हो? यदि ऐसा कोई इस नगर में व्यक्ति है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के घर ही जाके रुकूंगा जो भगवान पे विश्वास रखते हो और भगवान के भक्त हो। तब चौपाल पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि मुसाफिर, हमारे इस नगर में सिर्फ एक ही घर ऐसा है जहां एक बहन और एक भाई रहता है, दोनों बहन भाई रहते हैं। वो लोग भगवान के बड़े भक्त हैं और भगवान पे बड़ा विश्वास रखते हैं। हमारे पूरे नगर में वही एक घर है। चौपाल पे बैठने वाले लोग उस राजा को उन बहन भाइयों के मकान का पता बता देते हैं।
अरबो राजा उनके घर पे चले जाता है और उन बहन भाई के घर पे जाके वो राजा रात्रि ठहरने का निवेदन करता है। दोनों बहन भाई राजा से कहते हैं कि मुसाफिर, हम भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के भक्त हो, बिल्कुल आप हमारे घर रुक सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वो राजा दोनों बहन भाई के घर वहां पर रुक जाता है। मोर मोरनी से इस बात को कह रहा है और मोरनी बड़ी ध्यान लगा के बड़े चित्त मगन होकर के और इस कहानी को सुन रही है। मोर आगे कहता है कि जब सुबह का वक्त होता है तो राजा अपने बिस्तर से खड़ा होता है तो राजा देखता है कि उस घर में रहने वाली जो बहन थी वो भगवान के मंदिर में बैठी हुई है और ध्यान मगन है। उस लड़की का रोज का ये नियम था कि सूर्य उदय होने से पहले वो अपनी पाठ पूजा संपन्न कर लेती थी और जल्दी भोजन बना के अपने भैया को खिलाकर और काम करने के लिए भेज देती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की काफी समय तक ध्यान में मगन थी। वो लड़की अपनी ध्यान साधना तोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। काफी समय निकल जाता है, सूर्य सर पे आ जाता है, तब वो लड़की अपनी पूजा से उठती है। जैसे ही वो लड़की पूजा से उठती है तो उसका भाई उससे कहता है कि बहना, आज तुमने पूजा में बड़ा टाइम लगा दिया है, मुझे काम पे जाना था, मैं भी काम पे नहीं जा पाया और हमारे घर पे ये मुसाफिर हैं, ये भी भोजन करके कहीं दूर जाते, लेकिन तुमने अपनी पूजा पाठ में बहुत समय लगा दिया है। प्रिय दर्शकों, वो लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया, मैं धर्मराज के दरबार में थी और धर्मराज किसी ऐसे व्यक्ति का फैसला करने वाले थे, उस फैसले को सुनने के लिए मैं काफी लेट हो गई। तब उस लड़की का भाई कहता है कि ऐसा क्या देख लिया तुमने धर्मराज के दरबार में जिसके कारण तुम इतनी लेट हो गई। तब वो लड़की कहती है कि भैया, एक नगर का राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था और वो खीर बनाने वाले दूध में एक दिन एक काले सांप ने जहर मिला दिया, विष मिला दिया, और जब उस दूध की खीर बनी और उन 100 अंधे लोगों ने उस खीर को ग्रहण किया तो उन 100 अंधे लोगों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये फैसला करने वाले थे कि पाप का भागीदारी कौन है, वो राजा है या वो नाग जिसने दूध में विष मिला दिया था, या फिर वो लोग हैं जो रसोई में काम कर रहे थे जिन्होंने दूध को उघाड़ा छोड़ दिया था, दूध पे ढक्कन नहीं रखा था। अब इन तीन लोगों का धर्मराज फैसला करने वाले थे कि पाप का भागीदारी कौन है, तीनों ही बराबर के दोषी हैं तो पाप का भागीदारी आखिर कौन है, राजा है या सांप है या रसोईया। इसी फैसले को सुनने के कारण मैं लेट हो गई थी, मोर मोरनी से कह रहा है और मोरनी इस बात को बड़े गौर से और ध्यान से सुन रही है। मोर आगे कहता है, उस लड़की की इस बात को वो राजा भी सुन रहा था। जब राजा ने इस बात को सुना तो राजा अपनी बात को सुनकर और बड़ा चकित होता है। राजा सोचने लगता है कि यह सारी घटना मेरी है। तब राजा इस बात को और जानने का इच्छुक होता है और वो राजा उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से कहता है कि बेटा, क्या फैसला हुआ, आखिर कौन है पाप का भागीदारी। राजा इस बात को उस लड़की से पूछता है तो वो लड़की कहती है कि आज कोई फैसला नहीं हो पाया है, फैसला कल होगा, कल इसका फैसला होगा कि पाप का भागीदारी कौन है। प्रिय दर्शकों, अब वो राजा उन दोनों बहन भाइयों से कहता है, क्या मैं एक दिन और आपके घर रुक सकता हूं। इस बात को सुनकर दोनों बहन भाई हंसी खुशी उसको रुकने के लिए कहते हैं कि मुसाफिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप जितने दिन चाहे उतने दिन हमारे घर पर रुक सकते हैं। वो राजा इसलिए रुकता है कि दूसरे दिन वो जानना चाहता था कि फैसला क्या आता है, कौन है पाप का भागीदारी, राजा है या सांप है या रसोईया है। इसी बात को जानने के इच्छुक राजा दोनों बहन भाइयों के घर पर रुक जाता है। उधर चौपाल पे रहने वाले जो लोग थे, चौपाल पे बैठने वाले जो लोग थे, वो लोग बातें करते हैं और वो लोग कहते हैं कि कल जो मुसाफिर इन दोनों बहन भाई के घर पे आया था, ये मुसाफिर कुछ ठीक नहीं लगता है, सुंदर लड़की को देखकर और ये मुसाफिर यहां पे ठहर गया है। कल तो ये मुसाफिर कह रहा था कि एक रात रुकेगा,
लेकिन ये अब दूसरी रात भी यहां पे रुक रहा है। लगता है ये मुसाफिर इस लड़की को लेके जाएगा, लगता है ये मुसाफिर इस लड़की की इज्जत लेके जाएगा, लगता है ये मुसाफिर इस लड़की को लेके भाग जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह की बातें चौपाल पे बैठने वाले लोग करते हैं। चौपाल पे बैठने वाले लोगों की इन बातों को वो राजा भी सुन लेता है, लेकिन राजा उनको कोई जवाब नहीं देता है। राजा बिल्कुल मौन रहता है। राजा को सिर्फ यही जानना था कि पाप का भागीदारी कौन है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही दूसरे दिन होता है, वो लड़की ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा में बैठ जाती है और ध्यान मगन होके और ध्यान करती रहती है। लेकिन उस दिन वो लड़की बड़ी जल्दी अपनी पूजा से उठ जाती है। जैसे ही वो लड़की अपनी पूजा से उठती है तो वो राजा उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि बेटा, क्या फैसला हुआ? कौन है पाप का भागीदारी, राजा है या सांप है या रसोईया है? जब वो लड़की कहती है कि मुसाफिर, तीनों में से कोई पाप का भागीदारी नहीं है। पाप का भागीदारी तो वो लोग हैं जो चौपाल पे बैठ करके बात कर रहे हैं। वो लड़की कहती है कि मुसाफिर, धर्मराज के दरबार में आज यह फैसला हुआ है कि सबसे पहले जो पाप के भागीदारी था वो सांप था, लेकिन सांप अपनी भूख शांत करने के लिए उसने दूध में मुख दिया था और दूध पीने के बाद वो वहां से चला गया। अब इसमें सांप का कोई दोष नहीं था, क्योंकि भूखे को भोजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए सांप का कोई दोष नहीं था, तो सांप का पाप माफ कर दिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है राजा का, क्योंकि राजा ही खीर बनवाया करता था, इसलिए दूसरा नंबर राजा का आता है। लेकिन राजा भी स्वयं अपने हाथों से काम नहीं कर रहा था, राजा भी दूसरे लोगों को पैसे देकर और इस कार्य को करवाता था। परमार्थ का काम राजा कर रहा था, इसलिए राजा को भी निर्दोष घोषित किया गया है, राजा भी पाप का भागीदारी नहीं है। तीसरा नंबर आता है रसोइयों का, रसोइयों को भी पाप की भागीदारी नहीं बनाया गया है। फिर से राजा पूछता है, तो फिर पाप का भागीदारी बना कौन? लड़की कहती है कि सबसे बड़े पाप की भागीदारी वो लोग हैं जो चौपाल पे बैठकर और उस राजा की निंदा कर रहे हैं, उस राजा को खरी खोटी सुना रहे हैं, बली बुरी कह रहे हैं, अपने घर का अनाज खाकर दूसरे की निंदा कर रहे हैं, वो लोग सबसे बड़े पाप के भागीदारी हैं। प्रिय दर्शकों, जो चौपाल पे बैठकर वो लोग उस मुसाफिर के बारे में कह रहे थे कि ये मुसाफिर सुंदर लड़की को देखकर और इस घर में रुक गया है और इस लड़की को लेके भागेगा, इस लड़की की इज्जत लेके जाएगा, उन लोगों को सबसे बड़ा पाप का भागीदारी बताया गया है। मोर मोरनी से इस बात को कह रहा है और मोरनी बड़े ध्यान से सुन रही है। मोर मोरनी से कहता है कि मोरनी, सबसे बड़े पाप के भागीदारी वो लोग होते हैं जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, वही होते हैं सबसे बड़े पाप के भागीदारी। उन लोगों के सर पे पाप की गठरी को रखी जाती है जो लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। उन लोगों के सर पे पाप का बोझा धरा जाता है जो लोग एक दूसरे की तेरी मेरी करते हैं। मोरनी के मोर की ये बात समझ में आ जाती है और मोरनी अपने दिल को संतुष्ट करती है। मोरनी सोचने लगती है कि अब हम पाप के भागीदारी नहीं है, पाप के भागीदारी तो वो हैं जो निंदा करते हैं। अब मोरनी अपने दिल को संतुष्ट कर लेती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, कि संसार में जो इंसान सुखी रहना चाहता है वो कभी भी किसी की निंदा ना करें। जो लोग निंदा करते हैं वो पाप के भागीदारी हो जाते हैं। उन लोगों के पाप के भागीदारी वो लोग बन जाते हैं जो निंदा करते हैं। उन लोगों का सारा पाप उनके सर मण दिया जाता है जो लोग निंदा करते हैं। जो लोग एक दूसरे की खुशी को देख करके दुखी हो जाते हैं और फिर उनकी निंदा करने लगते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग सबसे बड़े पाप के भागीदारी होते हैं।
प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आप लोग कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और पाप के भागीदारी बनने से सदा बचे रहेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।